वो इंडिया एयरलाइंस के स्पीकर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, अगर ये खबर सही है और उनको उनको नामित किया गया है विपक्ष की ओर से, तो एक संदेश, ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहाँ संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीज़ें लोक विमर्श में चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। कई लोगों को अपने, कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आज़ाद भारत में बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आज़ादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं, तभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है इसका मतलब? है कि आप वही तौर तरीका, मैं, मेरा, मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है? तो एक दलित चेहरा सामने आप लोग रख रहे हैं, क्या सरकार के अंदर के हिस्से में भी डेंट मारने नहीं? सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।